गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रंका शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली बजारी नदी अपने अस्तित्व को लेकर लोगों को पुकार रही है। स्थानीय शहरवासियों एवं अगल बगल के दुकानदारों के द्वारा प्रतिदिन कूड़ा कचरा एवं मानव मल उत्सर्जित कर नदी में बहाए जाने से दुखी होकर यह नदी अपने तारनहार को लगातार गुहार लगा रही है, मगर कोई भी इसकी पुकार नहीं सुन पा रहा है। 15 वर्ष पूर्व तक इस नदी से सालों भर पानी का बहाव जारी रहता था, जिसमें लोग नहाने धोने से लेकर कई अन्य कार्य संपादित करते थे, मगर आज की स्थिति यह है कि मानव मल एवं कूड़ा कचरा से कड़ांध के वजह से फैल रही दुर्गंध के कारण किनारे पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआती दिनों में स्थानीय युवाओं वर्ग एवं अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। प्रति सप्ताह गलियां, चौराहे, नदी एवं सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई तथा कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया था, मगर समय के साथ ही सब कुछ बंद हो गया है। नतीजतन स्थानीय लोग पुराने ढर्रे पर फिर से निकल पड़े हैं, जिसके वजह से रंका की जीवन रेखा माने जाने वाली यह बजारी नदी कचरा का डंपिंग या गार्ड बनकर रह गया है। रंका का ये सब्जी मार्केट से होता हुआ जो है स्थान है, ये इसके चारों तरफ जो है चारों तरफ बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। एक समय था कि लोग जो है इसमें स्नान करते थे, लेकिन आज के समय में जो है इस कचरा को देखते हुए लोग जो है यहाँ पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करते हैं। लोगों को आने जाने में भी बदबू मिलती है, लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा त्राही त्राही है। विगत बार जो है मुखिया के द्वारा इसकी सफाई भी कराई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी फिर से आकर के कचरा जमा हो गया है।